हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3-4 क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 जुलाई 2021 यानी फ्राइडे के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। सो लास्ट वर्कशीट में भी बच्चों हमने देखा था कि हमने कितने सारे फॉर्मूले तैयार किए थे, है ना, और आपको वो समझ भी आ गए कि किस तरह संयोजकता के आधार पर हम सारे सूत्र, रासायनिक सूत्र तैयार कर सकते हैं। सो आज की वर्कशीट भी बच्चों कुछ सामान्य यौगिक और उनके रासायनिक सूत्रों को जो है, इस वर्कशीट में आप कुछ सामान्य यौगिक और उनके रासायनिक सूत्रों के बारे में पढ़ोगे। और ये जो रासायनिक सूत्र हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो ये वर्कशीट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं कहूँगी इस वर्कशीट का हर एक जो रासायनिक सूत्र है वो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से याद होगा तो आपका जो टेंथ की जब आपकी सिलेबस की जो वर्कशीट आएंगी वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी केमिस्ट्री पोर्शन की, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ज़रूर याद कीजिएगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो सारे फॉर्मूले हम इनको एक बार पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्या दिया गया है? फर्स्ट दिया गया है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या होगा? CO2, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होगा बच्चों? CO2। दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम, देखिए सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट क्या था, हमने पढ़ा था CO3 2- होता है ना, तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का क्या होता है? बेकिंग पाउडर यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस हल्के जो है उसके अंदर क्या होते हैं? खाद्य अम्ल होते हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है हमारा, बेकिंग सोडा, ठीक है, इसी के अंदर जब हम एसिड मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चों, इसी में जब हम टार्टरिक अम्ल या कोई अन्य जो खाने वाला अम्ल होता है वो मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका नाम होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl2। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4 2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O। नेक्स्ट देखिए बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसके अंदर अगर पानी मिला दोगे तो ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। सो नेक्स्ट देखिए नंबर 7, साधारण नमक। ये तो सब बच्चों को आता है, साधारण नमक का क्या होगा? क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड और उसका सूत्र क्या होगा? NaCl। नेक्स्ट नंबर 8, मार्स गैस। मार्स गैस किसको बोलते हैं? मार्स गैस मीथेन। मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस। नंबर 10 है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट CaSO4 1/2 H2O, इसको ऐसे लिखते हैं CaSO4, ठीक है, 1/2 H2O, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट POP, जिसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, छतों में डिज़ाइन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बुझा हुआ चूना। मैंने अभी आपको बताया बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए चूने का पत्थर। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो सामान्य पत्थर है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। Na हाइड्रोक्साइड के लिए हमने पढ़ा लास्ट वर्कशीट में OH- होता है हाइड्रोक्साइड, तो NaOH। नेक्स्ट देखिए
नंबर 14 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है एंटी एसिड होता है, पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तब इसको लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है, MgOH2। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो ध्यान रखेंगे सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3, डेका यानी 10, हाइड्रेट यानी वाटर, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट है नंबर 16 एल्कोहल, एल्कोहल यानी इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH, ये क्या बन गया, एल्कोहल C2H5OH। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको ज़रूर से याद करना है आपको। नेक्स्ट देखिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, अमोनियम का होता है, अमोनिया का होता है NH3, अमोनियम क्लोराइड बनेगा तो NH4Cl। उसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो बहुत आसान है, सभी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होगा HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा H2SO4 एंड कार्बनिक अम्ल का होगा H2CO3, ठीक है, ये सारे अम्ल हैं। तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड PbO, पोटेशियम आयोडाइड KI, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ग्लूकोज है C6H12O6, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सिट्रिक अम्ल C6H8O7, सिट्रिक अम्ल का क्या होगा C6H8O7। उसके बाद देखिए फॉर्मिक अम्ल होता है HCOOH। नेक्स्ट है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम के लिए क्या यूज़ करेंगे, के, हाइड्रोक्साइड के लिए OH, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH3, अमोनिया मैंने अभी बताया NH3, ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का हो जाएगा N2, ओजोन का फॉर्मूला क्या होगा, ओजोन O3, O2 तो ऑक्सीजन का है और O3 ओजोन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा C6H6, ये किसका हो जाएगा बेंजीन का। अब देखिए नेक्स्ट एक्वारीजिया सामान्य नाम होगा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा HNO3+HCl। तो ये बच्चों एक ऐसा केमिकल है जो कि अनरिएक्टिव मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनके साथ जो कोई भी एसिड है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये जो एक्वारीजिया बनेगा ना, ये उनको भी क्या कर देता है, पिघला देता है, अपने अंदर पिघला लेता है। आपने सुना है ना कि सुनार जो है क्या करते हैं गोल्डस्मिथ, वो जो है उसको चमका देते हैं बिल्कुल सोने की चीज़ों को, वो कैसे, वो इसी सॉल्यूशन की वजह से चमकाते हैं, ऊपर की लेयर उतर जाती है। सो ये किस अनुपात में मिलाते हैं हम, HNO3 का तो एक जो है एक अनुपात लेंगे और तीन अनुपात में क्या लेंगे, वो लेंगे हम HCl, यानी 1:3 के अनुपात में इन दोनों चीज़ों को हम मिलाते हैं। मान लीजिए 1 ml हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो 3 ml हम क्या लेंगे, 3 ml हम HCl लेंगे, ठीक है, तब उन दोनों को मिला के ये जो है बनता है एक्वारीजिया। उसके बाद देखिए सिरका क्या है, CH3COOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है सिरका, यानी जो विनेगर होता है, ये 4-7% एसिटिक एसिड लेते हैं और बाकी उसमें क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, जितना एसिटिक एसिड लेंगे उतना उसके जो है, जैसे मान लीजिए आपने 5 ml क्या लिया एसिटिक एसिड लिया, तो आपको 95 ml क्या लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, तो वो क्या बनेगा, वो सिरका बनेगा, विनेगर बनेगा। तो ये थी आपकी वर्कशीट जिसमें हमने सारे फॉर्मूले पढ़े और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, तो काफ़ी ईजी हैं, सभी हमने ऊपर पढ़े हैं, आप आसानी से अब इनको लिख सकते हो। बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र लिखना है, यहाँ पर लिख रही हूँ बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड CaO।
चूने का पत्थर, चूने का पत्थर का क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। नेक्स्ट देखिए, उन यौगिकों के नाम लिखिए जिनका उपयोग एक्वारिजिया बनाने में किया जाता है, इस गठन के लिए उन्हें किस अनुपात में जोड़ा जाता है। तो एक्वारिजिया बनाने के लिए किसका यूज़ किया हमने, फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया है, सो अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, इस गठन के लिए किस अनुपात में जोड़ा और क्या उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। सो ये आंसर आप लिखेंगे, एक्वारिजिया HNO3 प्लस HCl का यूज़ किया जाता है और अनुपात होता है 1:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कौन से तीन तत्व सामूहिक रूप से ग्लूकोज अणु बनाते हैं, इसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो देखिए बच्चों, ग्लूकोज अणु जो है हमने अभी पढ़ा, ग्लूकोज जो है का फॉर्मूला देखिए ये पढ़ा हमने, C6H12O6। ठीक है, सो कौन से तीन तत्व हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र देखिए, आप रासायनिक सूत्र याद कर लेंगे C6H12O6। अब इसको कौन कौन से तत्व सामूहिक रूप से ग्लूकोज अणु बनाते हैं, एक तो आप लिख देंगे कार्बन, दूसरा क्या है इसमें बताइए, हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। यहीं पे लिख रही हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिए, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आप लिख देंगे नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन, और रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे कुछ रासायनिक यौगिक दिए गए हैं, उनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं, तो इनके भी रासायनिक सूत्र लिखने हैं आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होगा, कलर चेंज करके लिखेंगे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखिए MgOH, ठीक है, होल ट्वाइस, ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4½H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, Na2CO3 10H2O, ठीक है, 10H2O, ये क्रिस्टलन का जल होता है, 10H2O क्या होता है, क्रिस्टलन का जल। नेक्स्ट है बेंजीन, बेंजीन के लिए क्या होगा फॉर्मूला, बेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H6, ये जो है बेंजीन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में करेंगे, और ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको टेबल में दिए हुए हैं, ये सारे आपको अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बेटा ये वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, आपको सारे फॉर्मूले समझ आ गए हैं, इजी होगा आपके लिए याद करना। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।